अगर आपका गूगल प्ले गेम्स बीटा चल नहीं रहा है, इसमें आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट वाली प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपका पीसी में रैम कम है और आपको रैम ज़्यादा बता रहा है, गूगल प्ले बीटा के लिए मिनिमम 4 GB रैम 8 GB रैम चाहिए होती है। तो अगर आपके इसमें 4 GB रैम या फिर 6 GB रैम है तो आप इसकी रैम को बाईपास कर सकते हो। उसी की ट्रिक मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, इफ यू आर फ्रॉम अदर कंट्री सो आई ऑल्सो मेक दिस वीडियो इन इंग्लिश लैंग्वेज, सो यू कैन वॉच माई इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस वीडियो ऑन माई आई बटन, आई प्रोवाइड इट्स लिंक इन माई आई बटन। अभी जो लोग हिंदी समझ लेते हैं उनको मैं बता दूं कि देखो, अगर आपको गूगल प्ले बीटा में और कोई सा भी एरर आता है तो आप हमारे चैनल को एक बार विजिट कर लेना, उस पर आपको सारे के सारे एरर का सॉल्यूशन मिल जाएगा, चाहे वो एन एरर ऑक्यूर ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन कुछ ऐसा करके आता है तो उसका भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपका पीसी में नहीं चल रहा है गेम, आपका बता रहा है कि एडिशनल सेटिंग ऑन करो, तो उसका सॉल्यूशन भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, तो आप एक बार हमारे चैनल को विजिट जरूर कर लेना। फिलहाल हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने गूगल प्ले बीटा हो या फिर फ्री फायर की किसी और भी चीज में हो, अगर आप फ्री फायर खेलते हो तो मैंने इसका बिगिनर टू एडवांस पूरा कोर्स डाल रखा है, तो एक बार हमारे चैनल पर जरूर जाकर, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको जरूर विजिट कर लेना। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ जाता है तो आप हमारे कंटेंट को लाइक कर सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो कर दो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं आपको रैम बाईपास कैसे करना है। तो आपको रैम बाईपास करने के लिए आपकी सेटिंग में चले जाना है, सेटिंग में जाने के बाद आपको सिस्टम में चले जाना है, सिस्टम में जाने के बाद फिर से आपको सिस्टम के अंदर चले जाना है। यहां पर आपके जहां पर रैम रोम दिखाती है उस वाले अबाउट वाले में चले जाना है, जहां पर आपका रैम वगैरह दिखाता है। फिर इसमें आप जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहां पर एक एडवांस सिस्टम सेटिंग देखने को मिलेगा, जहां पर आपका रैम रोम दिखाता है उसके नीचे ही एडवांस सिस्टम सेटिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा रिलेटेड सेटिंग में। तो आपको इस पर एक बार क्लिक कर देना है, फिर इसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का एक विंडो खुल जाएगा। देखो मैं इसको थोड़ा सा बीच सेंटर में कर लेता हूं, इसको क्रॉस करके हम इसको बीच सेंटर में कर देंगे ताकि आपको अच्छे से दिख सके। फिर इसमें आपको बहुत ज्यादा सेटिंग देखने को मिलेगी, तो आपको उनको किसी को भी छेड़छाड़ नहीं करना। आपको सबसे नीचे एक एनवायरमेंट वेरिएबल देखने को मिलेगा, तो एनवायरमेंट वेरिएबल पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। इसके बाद एक और नया पेज आपके सामने आएगा कुछ इस प्रकार का, तो यहाँ पर आपको दो चीज देखने को मिलेगी, यूजर वेरिएबल फॉर आपका पीसी का नाम रहेगा, जैसे मेरे पीसी का नाम कृष्णपाल है, तो आपको एक और एक ये देखने को मिलेगा, और एक नीचे आपको सिस्टम देखने को मिलेगा। तो जो आपका यूजर वेरिएबल फॉर आपके पीसी का नाम रहेगा आपको उसमें छेड़छाड़ी नहीं करना है, जो आपका सिस्टम वेरिएबल रहेगा जो नीचे वाला, ठीक है, ये देख लो जिस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, इस वाले पर आपको जाना है और इस पर क्लिक करना है आपको, ठीक है, सिस्टम वेरिएबल वाले पर आपको बनाना है जो भी मैं आपको बताऊंगा। इस पर करने के बाद आपको नीचे देखो न्यू वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको न्यू वाले पर क्लिक करना है और वेरिएबल नेम में मैं जो आपको बता रहा हूँ यह आपको कॉपी और पेस्ट कर देना है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको ऐसा कैसा कॉपी और पेस्ट कर देना है। गूगल प्ले गेम्स सप्रेस्ड कंपेबिलिटी चेक और इनके बीच में डैश 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 और सभी के सभी कैपिटल लेटर में आपको इसको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा ताकि आप अच्छे से कॉपी कर सको, लेकिन कॉपी करने में भी बहुत बार मिस्टेक हो जाती है, इसलिए इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद आपको वेरिएबल वैल्यू नीचे देखने को मिलेगा, तो आपको इसमें सब कुछ कैपिटल लेटर में लिखना है, वो लिखना है TRUE ट्रू, वेरिएबल नेम में वो लिखना है जो मैंने आपको कॉपी करके दिया, और नीचे वेरिएबल वैल्यू में आपको लिख कर देना है ट्रू TRUE ट्रू। इतना करने के बाद आपको इसको ओके कर देना है, लेकिन याद रखो आपको इसको ओके कर देना है तो आपको दोनों जगह से ओके करना है, यहां से भी ओके करना है, फिर इसके नीचे जो आता है इसमें से भी ओके करना है। अगर आपका इतना करने के बाद भी अगर आपका काम नहीं बनता है तो आपको जो ऊपर यूजर वेरिएबल फॉर आपका पीसी है ना, उसमें भी आपको ये न्यू करके सेम वेरिएबल वैल्यू और सेम की सेम यही चीज डाल देनी है। इतना करने के बाद आपका हो तो जाएगा, लेकिन अगर बाई चांस आपका ना हो तो आपको ऊपर यूजर वेरिएबल फॉर आपका पीसी का नाम है उसमें आपको न्यू पर क्लिक करके सेम टू वो डाल देना, और वेरिएबल वैल्यू में फिर से आपको ट्रू डाल देना है ऊपर वाली जगह पर भी अगर ना हो तो, वरना आपको पहले नीचे वाली चीज पे ही कर देना है आपको, और फिर उसके बाद आपको इसको ओके करके अप्लाई करके ओके कर देना। अगर अप्लाई का ऑप्शन आता है तो आपको अप्लाई कर देना है, नहीं तो डायरेक्ट ओके कर देना। फिर इसके बाद आपको आपका गूगल प्ले बीटा ओपन करना है। अगर ना हो थोड़ा सा टाइम ले सकता है, पहली बार होगा ना तो थोड़ा सा टाइम लेगा, अगर ना हो तो आपको आपके पीसी को एक बार रिस्टार्ट कर लेना है, और ये चीज आपको मोस्ट ऑफ द टाइम रैम बाईपास करने के टाइम पर ही काम आएगी। और अगर आपका हमारे इससे हेल्पफुल हो गया हो तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो, थोड़ा सा कमेंट में आपको बता देना आपकी हेल्प मिली या नहीं मिली। अगर ना मिली हो तो मैं कुछ और तरीका भी आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। और अगर आपको कुछ और भी अदर हेल्प चाहिए गूगल प्ले बीटा से रिलेटेड या फिर फ्री फायर या फिर पीसी से रिलेटेड, तो आप हमारा डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, डिस्कॉर्ड में मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। अगर आप डिस्कॉर्ड नहीं चलाते हो तो आप हमारा इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, तो वहां पर मैं आपको दे दूंगा। इन दोनों की लिंक ही आपको हमारे चैनल के अबाउट में मिल जाएगी। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।